इतना ट्रस्ट करने के बाद तुम मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया, तुम कॉल करो नहीं तो आज से ब्रेकअप। तू क्या मुझ पे शक कर रही है? शक कर दोनों। बहुत कुछ चेक कर लिया, तुम कितना कुछ करते हो सब। गए कहाँ थे तुम? फोन दिखा। सुनो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट कॉल मी जान। अब दूध वाली को लाने के लिए जा रहा हूँ। ये था तुम्हारा राइट। वाव, अब फोन का पासवर्ड भी चाहिए। एक सेकंड। पीठ पीछे ये भी करते हो। हमारा कैरेक्टर ही ऐसा है। कैरेक्टर के ऊपर बात मत करना। एक कनपट्टी के नीचे क्यों मारा? क्या नंबर गलत? अरे क्या नंबर दो, ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अपने अपने नहीं, अंदर थर्ड पर्सन को नहीं लाना है ना? नहीं लाना तुमने। अरे इतनी छोटी छोटी बातों में सिर्फ ब्रेकअप ब्रेकअप। बात नहीं है, तुम कॉल करते हो या मैं निकलूं यहाँ से? घूमने के लिए गए थे, अब क्या बोलूंगी? लग रहा है बहुत ही कसम से लग रहा है। लोग देख रहे हैं। छोड़ फंसा दिया ना। अरे कुछ भी समझ, कुछ भी समझती हूँ मैं। जैसी लड़की ये सुनता इतना शक्ल देखो, कौन लड़की तुमको मतलब पसंद करती है? हाँ, कौन लड़की तुम्हारे साथ घूमने को जाती है? हाय, अंदर अंदर से टूटा मैं। ह्यूमिलेट किया मुझे, अब्यूज किया मुझे, बुलिंग किया मुझे। हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और बताओ कैसे अपनी एके आर्मी? होप सो आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपका भाई भी एकदम मस्त है। गाइस, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने बताया था ना, प्रभाति का कंटिन्यूअसली कॉल आ रहा है। उसका कंटिन्यूअसली कॉल जो आ रहा था, मैं रिजेक्ट कर रहा था उसका कॉल। तो सीन क्या हुआ है, मैं जब निकला था सुबह राइट को, मैंने बताया नहीं था। फिलहाल मैंने उसको कॉल करके बोला मैं एक लोकेशन पे हूँ, वहाँ पर फटाफट आ जाओ। जब उसका सुबह कॉल आया था ना, तभी ये आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका था कि आज एक मस्त वाला प्रैंक कर सकते हैं प्रभाति के साथ। बाकी रेवा को मैंने समझा दिया था, अगर लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आई होप मैंने बोला था ब्लॉग के अंदर ही, अगर नहीं बोला होगा तो मैंने समझा दिया था उसको मैं कॉल करने वाला हूँ, ऐसा ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो गाइज पूरा ब्लॉग देखना, फुल पावर मज़ा होने वाला है आज प्रभाति के ऊपर। तो फिलहाल तो मैं अकेले ही निकला हूँ, अकेले ही लोकेशन पे पहुँचूंगा। उसको तो ऑलरेडी लोकेशन पे बुला ही लिया है। होप सो फटाफट आ जाए लड़की, और आने के बाद हम अपना प्रैंक शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कैमरा छुपाना पड़ेगा। फटाफट फुल पावर पहुँचते हैं लोकेशन पे और उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? सो गाइज, आपका भाई पहुँच चुका है लोकेशन पे, और आने के टाइम पे गाइज नहीं पता आग में क्या घुसा है, अभी पूरा लाल होके रखा है। और प्रभाति को मैंने जस्ट कॉल किया था, वो अभी गेट तक आके पहुँच गई है। गाइज ये सब फोटो आप लोग देख पा रहे हो ना, ये सब भी मैं प्रभाति को दिखाने वाला हूँ, और देखेंगे गाइज रिएक्शन क्या निकलता है। तो फटाफट जाके हम लोग कैमरा वगैरह सेट कर देते हैं, देन आप लोगों के लिए एक मस्त वाला प्रैंक शूट करते हैं, ठीक है? तो गाइज मैंने बढ़िया तरीके से कैमरा अच्छे से छुपा दिया है, देख रहे हो? तो अभी गेट तक तो पहुंच गई है, मैं एक बार देख लेता हूँ। आ रही है गाइज, पिंक कलर का ड्रेस पहनी है, तो आ रही है, आने दो, उसके बाद शुरू करते हैं गाइज अपना प्रैंक। अरे व्हाट्सअप? क्या व्हाट्सअप? कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? हेलमेट उठाओ। थप्पड़ क्यों आते हैं? पहले ये बताओ पिक करने को क्यों मारा? तुमने पिक क्यों नहीं किया आज मुझे? अरे एक दिन नहीं गया पिक करने के लिए, मैं इस साइड ही था, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ मैं आ जाता हूँ और उसके बाद आपको बुला लेता हूँ। मैंने बुला लिया। नहीं थप्पड़ क्यों मारा? पिक करने को आते हो हर टाइम, मतलब स्पेशल हो गया जो आज पिक करने को नहीं गया? अरे आज नहीं गया ना, एक ही दिन नहीं गया, मैं इस साइड को था, इस साइड से इस साइड में आ गया। ये बताओ कॉल रिसीव क्यों नहीं किया तुमने? कब कॉल किया था? मॉर्निंग को कितना बार कॉल किया तुमको? मैंने सुबह। अच्छा अच्छा, मॉर्निंग का बात कर रहे हो? मॉर्निंग में मतलब था, थोड़ा बिजी था, इसी वजह से नहीं कॉल पिक कर पाया। तो कॉल बैक कर सकते थे? कॉल बैक किया ना। आने के टाइम रास्ते पे कितना कॉल किया तुमने? अरे कॉल फोन देखा, कॉल किया नहीं? अरे कॉल किया ना, नहीं किया तो लोकेशन पे कैसे पहुंचे आप? मैंने आपको कॉल ही किया ना, तभी तो आपको कॉल क्यों रिसीव नहीं किया तुमने? अरे बोला ना थोड़ा बिजी था मैं काम पे, तो कॉल मतलब कॉल बैक नहीं कर सकते थे? पागल हो? मैंने बोला ना कॉल अगर नहीं करता तो इस लोकेशन पे कैसे पहुंचते? बीजी का कहाँ बिजी थे? गया था घूमने राइट पे। किसके साथ? अकेले, काली के साथ। बार बार झूठ बोलो। वाव, अब अकेले घूमने भी जाते हो? अरे थोड़ा मूड भी नहीं है। अरे आप बात छुपाते हो? कहाँ मैंने छुपाया, कहाँ छुपाया मैंने?
पहले तो ऐसे नहीं थे ना, पहले अरे सिंपल दूध लाने के लिए जाते थे, फिर भी एक मैसेज पे मैं दूध लाने के लिए जा रहा हूँ, अब राइट अब दूध वाली को लाने के लिए जा रहा हूँ। अरे जोक मारा रे, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस समझती नहीं है। नहीं नहीं, अब राइट पे जाते हो, मुझे बताते भी नहीं हो। अरे मैंने सोचा आप सोए हुए हो, क्यों जगाना, इसी वजह से मैं तो भलाई कर रहा था ना। देखो भलाई करने भगवान, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मत किया करो, क्योंकि इतना भलाई ना अब हजम नहीं होता है मेरा तुम्हारी हरकतों से। अच्छा वो सब छोड़ो, गए कहाँ थे तुम, फोन दिखाओ। अरे पिक तो पिक, फोन दिखाओ। अरे फोन दिखाओ मेरी माँ, क्या मुँह से रुको, फोन दिखाओ। एक चीज हमेशा याद रखो, कोई अगर मुँह से बात करता है तो फोन क्यों नहीं दिखा रहे? एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुमको बुलाया, इधर बुलाया ना, तो फोन दिखा। नहीं नहीं नहीं, क्या जा रहा है तुम्हारा, फोन दिखाओ। पागल हो, पागल पागल हो, नहीं सुनो पागल, मैं बुलाया ना, अच्छे से यहाँ पे बैठेंगे, टाइम वगैरह स्पेंड करेंगे। और आते हुए तुमने राइट, मैं क्या प्रॉब्लम है, पिक दिखाओ। अरे कहाँ गए थे, मैं भी जरा देखूँ राइट पे कहाँ निकले थे। अरे कहाँ निकला था वो तो मैं बता ही रहा हूँ ना, मैं गया था वो लोन। तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम? अरे यार वाव, अब फोन का पासवर्ड भी चेंज। पासवर्ड जानते हो, हाँ एक्टिंग मत मारो। फोन क्यों नहीं रहा है, देखो फोन क्यों नहीं रहा है। अच्छा अच्छा चेंज कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। पागल, मतलब ये चेंज भी कर दिया यार, अभी लगा मेरे को ही। पासवर्ड बताओ, लगा मेरे को पासवर्ड बताओ, दिमाग मत खाओ, पासवर्ड बताओ, लगा पासवर्ड बताओ। ये डर मुझे अच्छा लगा। एक्टिंग देखो आपके भाई का, अभी उठ गई है। ये था तुम्हारा राइट, एक सेकंड एक सेकंड। नहीं नहीं तुम्हारा राइट दिखाओ, राइट दिखाओ। ये था तुम्हारा राइट, मैंने बोला ना मैं गया था, मैं और काली और ये बाय द वे रेवा है, उस दिन मैंने हेल्प किया था ना पेट्रोल, याद है? लगा प्रभाती बहुत जोर से लगा मेरे को। टाइम से बोल रही थी मुझे ये इस जगह पे ले चलो, और तुम इस जगह पे गए, वो भी मुझे मैसेज भी नहीं किया कि मैं जा रही हूँ। सुनो उसने बोला एक राइड के लिए निकलना है, तो मैंने बोला चलो सही है, इस जगह का नाम बताया, उसके बाद बोला कि चलो जाते, ऐसे ही घूमने के लिए गए, ब्लॉग वगैरह किया और उसके बाद आ गए घर पे। अरे हो गया ना, नहीं नहीं देखने दो, मुझे तो देखना है ना और क्या क्या हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा है, उस दिन हेल्प किया था ना, याद है ना वो लड़की, मैंने बताया था ना रेवा, याद है? नहीं मुझे ये सब याद रखने में क्या क्या फायदा। अरे हो गया ना अभी, नहीं मुझे देखना है, देखने दो। अरे हो गया ना अभी, बता दिया तब, नहीं बताया था अब बता दिया ना, सिंपल सा बात है। हम दोनों बहुत कुछ चेक कर लिया, तुम कितना कुछ करते हो, वैसे तो तुम मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करते हो, पीठ पीछे ये भी करते हो, हमारा कैरेक्टर ही ऐसा है। कैरेक्टर के ऊपर बात मत करना, एक तो आते हुए एक बार मारा, ऊपर से यहाँ पे चोट कर दिया मेरा, देखो मुँह से बोल रहा हूँ मैं, मुँह से बात करो, ये क्या था, कनपट्टी के नीचे क्यों मारा बोलो, तो इस लात मारती हूँ, अरे नीचे मारती हूँ, लग रहा है, लग रहा है, मुझे भी लगा सुबह सुबह जाते हो तो।
नंबर से टूटा पीछे कितना कुछ करते हो क्या नंबर गलत अरे क्या नंबर मैं भी कॉल करती हूँ कि किसने बुलाया अरे तुमने बुलाया या उसने बुलाया मैं भी कॉल करती हूँ पागल हो क्या लड़की को ऐसे कॉल करना अरे एक एक बारी मैं मिला उसके बाद ये सब करोगे मेरा गर्लफ्रेंड होके कैसा सोचेगी वो गर्लफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड रहते हुए भी लड़कियों के साथ घूमना ओ मैंने ब्लॉग बनाने के लिए गया ठीक है पहले सुबह जब क्या मुझ पे शक कर रही है ऑब्वियसली कोई ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है नहीं है ये देखने के बाद और नहीं है नंबर दो अरे क्यों नंबर दो क्यों नंबर दो अपने बॉयफ्रेंड का तो कुछ इज्जत इज्जत तो इज्जत तुम्हारा अगर इज्जत होता ना तो लड़की के साथ नहीं जाते तुम तेरे को ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं हाँ या ना ट्रस्ट है कि नहीं हाँ या ना मैंने मतलब ट्रस्ट है कि नहीं हाँ देखो सिंपल सा बात है किसी और को नहीं खींचना है अपने 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 अंदर थर्ड पर्सन को नहीं लाना है ना नहीं लाना तुमने लाया तुमने घूमने भी गया अब जो हो गया सो हो गया नहीं इतना ट्रस्ट करने के बाद तुम मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया तुम कॉल करो नहीं तो आज से ब्रेकअप और मैं यहाँ से उल्टी पैर मैं चली जाऊँगी मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे सच्ची में कोई फ़र्क नहीं हाँ फ़र्क पड़ता था मुझे बट अब नहीं पड़ने वाला अरे इतनी छोटी छोटी बातों में सिर्फ ब्रेकअप ब्रेकअप बात नहीं है तुम कॉल करते हो या मैं निकलूँ यहाँ से अरे क्या कॉल करते हो बुरा लगेगा ना उस लड़की को भी तो बुरा लगेगा मुझे जो बुरा लगा वो क्या बताओ तुम मैं क्या बोलूँ अभी अभी सच्ची में मैं ब्रेकअप करने वाली हूँ आज अरे छोड़ो ना यार नहीं जाऊँगा फिर से हो गया ना क्या भरोसा तुम नहीं जाओगे नहीं जाऊँगा मोबाइल क्यों खींचते हो बात बात में क्या कर क्या रही हो कॉल लगाओगे अरे यार वो क्या समझेगी एक बार सोचो तुम कुछ मत बोलना मैं बोलूँगा तुम सिर्फ सुनना हेलो रेबा हाँ बोलो हाँ कहाँ पर हो घर पे हाँ हम दोनों कहाँ पर गए थे आज सुबह घूमने के लिए क्या घूमने के लिए हम लोग क्यों गए अरे कहाँ बुला एक सेकंड क्या हुआ मार क्यों रहे अरे लड़की पूरी घूमने के लिए गए थे और क्या बोल रहे हो लग रहा है बहुत ही कसम से लग रहा है लग रहा है क्या बोल रहे थे तुम अरे ब्लॉग बनाने के लिए गया था ब्लॉग बनाने के लिए गया था ये क्या बोल रहे हैं घूमने के लिए गए थे अरे वो पागल ये तो ब्लॉग बनाने की जगह नहीं है ये तो घूमने की जगह है क्योंकि सुबह सुबह इतना दूर तो कोई नहीं जाता है ना छोड़ लोग देख रहे हैं छोड़ लोग देखने दो मेरा इज्जत का पोपट हो रहा है घूमने क्यों गए थे अरे लड़की पूरी पागल है गाड़ी भी बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ वो रुक मैं और एक बार कॉल करता हूँ मेरे बाल उखाड़ दिया अरे पूरी पागल लड़की है ये मुझे फंसा दिया ना फंसा दिया अरे हेलो अरे रेबा सुनो ना बहुत खराब सिचुएशन आ गया मेरा जो गर्लफ्रेंड है ना वो हम दोनों का पिक एक साथ देख लिया और सुबह ना मैं उसको बोल के भी नहीं निकला था ठीक है तो अभी वो मेरे ऊपर पूरा चिल्ला रही है और तुम पूरा सुबह तो मेरे को मतलब पूरा पागल बनाया और अभी भी बना रही हो अरे उसको बोलो ना यार कि हम दोनों ब्लॉग बनाने के लिए गए थे वो मतलब मेरे ऊपर शक कर रही है एक बार बोल दो अरे हेलो तो बोलो हो गया बात नहीं करेगी अरे ठीक है थैंक यू और ऐसा मत करो यहाँ पे पूरा सिचुएशन खराब होके रखा है जानती हो और तुमने बोला हम लोग घूमने के लिए गए अच्छा मैंने इसे बोला हम लोग दोनों ब्लॉग बनाने के लिए गए थे हाँ चलो बाद में बात करता हूँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ हुआ भरोसा हम लोग अरे पूरी नहीं पागल क्या प्लान करके भी बोल सकती क्या मतलब प्लान क्या कुछ प्लान नहीं क्या अगर वो ब्लॉग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कुछ भी समझती हूँ कान करते हो ऐसा और ऊपर से कहते हो कुछ भी समझती हूँ अरे सच्ची मेरे कुछ नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए गया था क्या भरोसा अभी लड़कों के मतलब लड़कों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ फिर भी तुम और तुमने फिर से ब्रेक कर दिया फिर से अरे ब्रेक नहीं किया रे बाबा GoPro नहीं लाया ना साथ में लाके फुटेज वगैरह दिखा दूंगा हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए गए और तुम्हारे फैन लोगों से बोलना भाभी भाभी करके मत बुलाए मुझे
ये वैसे भैया काम करते रहते और अरे सुनो मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट कॉल मी जान, जान का मतलब भी पता है तुम्हें? अरे सुन तो ले, एक चीज मैं दिखाता हूँ उसके ऊपर तेरे को भरोसा हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी जितना भी सिचुएशन सीन तूने क्रिएट किया है ना, अभी खुद ब खुद हंसेगी उस सीन पे। मुझे नहीं हंसना, मुझे अब सच्ची में मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है, मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की ये सुनता है। वैसे तो शक्ल में कोई सुंदरता नहीं है तुम्हें। हाँ तो मैं पट गई थी, पता नहीं कैसे पट गई थी, और ऊपर से ये पर्सनल हो रहा है, ये तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है, पर्सनल क्या सच्ची बात। खुद का शक्ल देखो, कौन लड़की तुमको मतलब पसंद करती है? हाँ कौन लड़की तुम्हारे साथ घूमने को जाती है? अंदर, अंदर से टूटा मैं। कुछ भी, ये शक्ल, ये गंदा वाला शक्ल लेके तुम्हारे साथ घूमने को जाती है? वो तो मेरी फूटी किस्मत थी जो क्या हो गया? हो गया, अभी सुन और सुन, अभी दिखाता हूँ। ये देख, अरे ये देख कैमरा देख, ओ माँ, अरे ये देख कैमरा, ये प्रैंक हो रहा था तेरे साथ। ये जो भी हमने किया ना, तूने सही बोला, प्लान करके क्या हम लोगों ने, ये प्रैंक, ये कैमरा खुद की सेफ्टी के लिए हो भी सकता था। खुद की सेफ्टी के लिए यहाँ पे बैठा हूँ मैं कैमरा, मुझे क्या लगता है तेरे को? मुझे क्या पता, इतना दूर मैं बोल रही थी कि मुझे ले चलो उस जगह पे, क्योंकि सरस्वती पूजा में तो ज्यादा टाइम ही नहीं मिला था वहाँ पे बारिश के वजह से, मुझे नहीं ले गए और उसे। अरे सीरियसली देखना, वो कैमरा है वो देख, लाइट ब्लिंक हो रहा है, रेड रेड देख रही है। हम दोनों का ये सुबह का ही प्लान था कि हम लोग तेरे साथ प्रैंक करेंगे, तू ब्लॉग देख लेना, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। और तूने जो मेरे ऊपर कमेंट किया उसका जवाब तुझे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, जो मेरे फैन लोग तुझे बोलेंगे पर्सनली। भाई यू ह्यूमिलेट किया मुझे, अब्यूज किया मुझे, बुलिंग किया मुझे, देख लो आप इंस्टाग्राम पे स्पैम कर दो, जस्टिस फॉर आकाश भाई। देखा कैमरा, अभी लेके आता हूँ, देख अभी ये कैमरा है, कैमरा इसको बोलते हैं कैमरा, बुलिंग करते हो गाइस। आप लोगों के लिए बहुत सारा मैंने मार खाया, देखा आप लोगों ने, और क्या खतरनाक मारती है, आते ही शुरू होगी, नहीं पता कहाँ से इतना जोश वगैरह आता है, आते ही शुरू होगी। यहाँ पे होठों को फुला दिया है, सूजा दिया है, क्या बोलूँ, जस्टिस फॉर आकाश भाई। और बाकी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा हो नहीं पता, इतना मार खाया, लाइक तो करना बनता है, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकाश भाई स्पैम कर दो, और शेयर करो ब्लॉग को, और कमेंट करो ये जो है ना ये मैं गुस्से से बोल रहा हूँ, तो करने का मतलब करने का। और चैनल पे गाइस जो भी नहीं हो सब्सक्राइब ठोको अभी के अभी, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, खुशियां बांटते रहो डियर्स, बाय बाय, अभी मैं मारूंगा।